आज हम बनाएंगे लौकी के पराठे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लौकी को ग्रेट कर लिया है और अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। इसका पानी ज़रूर निकाल लीजिएगा क्योंकि लौकी नमक मिलने के बाद बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। और फिर हम इसमें आटा मिलाते जाएंगे लेकिन पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और आटे की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें ने दो बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं और अदरक और लहसुन डाला है। एक चम्मच जीरा मैंने इसमें क्रश करके डाल दिया है। आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाला है। एक चम्मच चिली फ्लेक्स तीखेपन के लिए, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच आमचूर पाउडर और ये मैंने बेसन एक कटोरी भर के डाला है। अब इसी कटोरी से नाप के मैं लगभग दो कटोरी आटा इसमें ऐड करूँगी। पराठों को सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें घी डालेंगे। मैंने लगभग दो चम्मच घी इसमें डाला है। अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर लेंगे, धनिया पत्ता जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक डो लगा लेंगे और साइड में रख लेंगे। दो कटोरी आटा डालने के बाद भी अगर आपको ये कुछ गीला लगे तो इसमें आप और आटा ऐड कर सकते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, इसके साथ मैं खाने के लिए एक ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, या आप कह सकते हैं कि मैं मलाई की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ बहुत मज़े से खा सकते हैं और बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है। इसके लिए मैंने दो चम्मच देसी घी को गर्म कर लिया है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं। चार मैंने लौंग डाली इसमें, एक चम्मच ज़ीरा। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से ब्राउन हो गई तो फिर इसमें दो बारीक कटे हुए प्याज डाले। प्याज जब हल्का सा पिंक हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने लगभग 7 से 8 लहसुन की कलियां ली थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इनको भी अच्छे से हम भून लेंगे और फिर उसके बाद ऐड करेंगे कुछ मसाले। मैंने ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर या हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। टमाटर की प्यूरी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे और इसका ऑयल रिलीज हो जाए तब तक इसे भूनेंगे और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लेंगे। नमक हमें थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नमक एब्जॉर्ब नहीं करती है। अब ये अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है। मैंने घर की 2 चम्मच मलाई ली है। इसमें मलाई ऐड करने के बाद हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो, और बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं बनाना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मलाई को मिक्स करना है। और जब मलाई मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो मैंने जिस कटोरी से मलाई ली थी वही कटोरी में एक कटोरी भर के इसमें हम दूध ऐड करेंगे जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो प्रॉपर हो जाए। सब्ज़ी को पतला करने के लिए हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हमेशा दूध का ही यूज़ करिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लग रही हो तो लीजिए, हमारे मसाले और मलाई आपस में अच्छे से ऐड हो गए हैं और ये मैंने दूध लिया है। अब इसमें हम दूध मिक्स कर देंगे और इसमें अच्छे से बॉयल आने तक अब इसे पकने देंगे। और इसके पकने के बाद अगर आप इसमें पनीर ऐड कर देते हैं तो हमें क्रीम पनीर बिल्कुल तैयार मिल जाता है। इसी तैयार होने के बाद हम इसे गार्निश करेंगे 1 चम्मच गरम मसाले के साथ। गरम मसाला मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे क्रश करके कसूरी मेथी, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। और गार्निश कर दीजिए धनिया पत्ती से। तो सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है। अब हम पराठे भी सेक लेते हैं। मैंने गैस पर तवा गरम होने के लिए रख लिया है। अब यहाँ पे पराठों को बेल लेंगे। वो आटा लगा के बेलिएगा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है और ये तवा गरम हो गया। उसमें हम ग्रीस करके पराठों को दोनों तरफ अच्छे से लाल कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छे हैं, तो इन्हें ज़रूर बनाकर ट्राई करिए और सबको खिलाइए। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो दूसरों के साथ शेयर करिए और ढेर सारे कमेंट्स दीजिए जिससे मैं
और ज़्यादा हेल्दी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं और मेरा हौसला बढ़ता रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ज़रूर से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ही कम एफर्ट में आप घर पे रेस्टोरेंट जैसे खाने का स्वाद ले सकते हैं। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करिए हेल्दी और टेस्टी फूड। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।